पापा के कहने पे हम आपसे दूर रहे, लेकिन अब हमसे जबरदस्ती नहीं बर्दाश्त हो पाएगी। बेटा तुम्हारी पापा हमारी सुनते कहाँ है, हमारा बस चलता तो हम तुमको दूर जाने ही नहीं देते। पापा पापा। हाँ बेटा। पापा गुड़िया दीदी को नहीं जाना है, आप मान जाओ ना। तुम दोनों मिलकर कापटी पढ़ा रहे हो प्रतिभा को। अरे हम लोग कापटी पढ़ाएंगे, गुड़िया का भाई है, इसको भी तो अपना बहन का दुख तकलीफ दिखाई देता है। अरे हम कोई जल्लाद थोड़ी ना है, वहां रह के गुड़िया को कम से कम भरपेट खाना तो मिलता है। तुम चेहरा देखो इसका, देखो ना कैसे चमक रहा है, और वैसे भी गरीबी हम सबका नक्शा बिगाड़ दिए है। ये ले बेटा रख ना, रास्ते के लिए है। और सुन, अगर तुम नहीं जाती तो क्या तेरा भाई कभी स्कूल जा सकता था? हाँ बेटा, तेरी बदौलत ही तो हम भुखमरी से लड़ पाए हैं, सच बोल रहे हैं। मोह ममता से पेट नहीं भरते हैं। दीदी अब मत जाओ ना। बेटा ये अगले महीने दोबारा आएगी, है ना, अभी जाने दे। चल बेटा, प्रतिभा को संभालो, बेकार में बस निकल जाएगी। चल चलो दिव्यांश, अब जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करो। नहीं मुझे नहीं खाना ये, मुझे नूडल्स खाना है। नूडल्स बनाने का टाइम नहीं है मेरे पास, यही खाना पड़ेगा। चलो खाओ। दीदी आप आ गई, मुझे नूडल्स खाना है। नमस्ते मैडम। नमस्ते भैया। थैंक गॉड गुड़िया तुम आ गई, दिव्यांश को तो तुम्हारी आदत ही हो गई है, मेरे हाथ का बना तो नाश्ता भी नहीं करता ये। अरे ब्रजेश कैसे हो? नमस्ते मालिक, बस कृपा है आपकी। ब्रजेश भैया गुड़िया के बिना तो हमारा घर ही अधूरा है। गुड़िया ने भी हमको बताया कि कैसे एक माँ के जैसा ख्याल रखती हैं आप इसका। नीता मैं जा रहा हूँ, नाश्ता करवा के भेजना। नहीं साहब हमारी बस का टाइम हो रहा है, बस हमारा काम हो जाता था। ओ हाँ हाँ पकड़ो। ₹10,000। कुछ और ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लेना मुझे। धन्यवाद मालिक, बाय। ले बेटा पकड़, मेहनत से काम करना बेटा, चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। हैप्पी। गुड़िया जैसे बच्चे हम रोजाना अपने आसपास देखते हैं, होश संभालते ही उन्हें यह सिखा दिया जाता है कि उनका बचपन खेल खिलौनों के लिए नहीं बना। शिक्षा उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती, उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। बहुत छोटी उम्र में ये बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि दो वक्त की भूख इनका भविष्य निकल जाती है। लेकिन गुड़िया अब अपनी उम्र के उस पड़ाव पर थी जहां बच्चे खुद अपना भविष्य बदलने की ठान लेते हैं। हम गुड़िया, हम कुछ रोज पहले ही 18 साल के हुए, अब हम बालिक हैं, हम वोट भी डाल सकते हैं और अपना जीवन साथी भी खुद ही चुन सकते हैं। हम एक लड़के से प्यार करते हैं पर हमारे पापा जबरदस्ती हमारा शादी एक अपंग आदमी से कर रहे हैं। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, हमको कुछ हो गया तो हम मरना नहीं चाहते, हमको अपना भाई और माँ के लिए जीना है। हेलो एंड वेलकम टू माय शो रितेश लाइव। आबो हवा के साथ साथ शहर का माहौल भी खराब हो चुका है। एक लड़की जो छोटे से गांव से आती रिपोर्टर बनने का सपना ली, वो सपना साकार करने वो शहर आती, और क्या होता है उसके साथ, जॉब का झांसा देकर रेप किया जाता है। आज मैं बेनकाब करने आया हूं उस टीवी चैनल के मालिक वीरेंद्र कक्कर को। ये है वो वीरेंद्र कक्कर जो खुलेआम बेरोक टोक घूम रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन वीरेंद्र कक्कर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आई चैलेंज यू वीरेंद्र कक्कर कि उस लड़की को इस शो के माध्यम से मैं इंसाफ दिलाऊंगा।
अब तुम होंगे जेल के पीछे, सलाखों के पीछे होगे तुम। I'm so sorry, I'm late. बोलो सुजाता, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्यों, जॉब लग गई क्या तुम्हारी भी? मुद्दे की बात करें, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? निखिल, I need you. I want you to come back. See, मैं ये न्यूज़ पोर्टल अकेले नहीं संभाल सकती। लेकिन अगर मैंने तुम्हारे साथ काम किया ना, तो तुम्हारा वो सनकी पति मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। उसको मैं भी तो झेल ही रही हूँ ना। तुम मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, कल वो मुझे जान से मार देगा तो मैं क्या करूँगा? निखिल कैसी बात? एक सेकेंड निखिल, इम्पोर्टेंट कॉल है। सुजाता तुम ले लो कॉल, लेकिन मुझे जाना है, मैं यहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता। कैसी हो सुजाता? आपने मेरा हाल चाल पूछने के लिए तो कॉल नहीं किया होगा ना वीरेंद्र सर? ये एटीट्यूड इसलिए तो नहीं कि तुम्हें रितेश की बीबी होने का गुरूर हो गया? पहचान तो मुझे तब भी नहीं मिली सर, जब मैंने आपके साथ काम किया था, और ना ही मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे रितेश की वजह से पहचाने। देखो सुजाता, तुम्हारा एम्बिशन मझधार में है और तुम्हारा पति ओवर एम्बिशियस है। मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उसे वहीं का वहीं रोक दो, मैं तुम्हारा कोई ना कोई फायदा करा दूंगा। हम मियां बीवी जरूर है सर, पर वो एक अलग कश्ती पे सवार है, मैं नहीं रोक सकती अब उसे। सर आज की शो की टीआरपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। यू आर रॉकिंग सर। यू लाइक इट रियली? हाँ ब्रजेश बोल। मालिक गुड़िया कहाँ है? तुम्हारे पास ही तो भेजा उसे। क्या मजाक कर रहे हैं मालिक, सुबह से बस अड्डे पर खड़ा हूँ। लखनऊ से आने वाली 4 बसें गुजर चुकी हैं। अरे तुमने ही तो कहा था उसे बस में बिठा दूँ, तो बिठा दिया, अब मेरा दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। अम्मा, गुड़िया दीदी ने कहा था इस बार वो आएंगी तो मुझे साइकिल दिलवाएंगी। अरे पहले उसको घर तो आ जाने दो। शोभा, गुड़िया आई क्या? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आप ही तो गए थे उसको बस अड्डे से लाने। शोभा गुड़िया खो गई है, उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। क्या कह रहे हैं आप? कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाते हो? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि टिपिकल बीवियों वाली बातें मुझसे मत किया करो। बीवी हूँ इसीलिए बीवी की तरह बिहेव करती हूँ, फिक्र होती है मुझे तुम्हारी, तुम्हारी सिक्योरिटी की। और तुमने क्या किया आज शो पे? वीरेंद्र पर रेपिस्ट का टैग लगा दिया। और तुम ये क्यों भूल जाते हो बार बार कि तुम एक न्यूज रिपोर्टर हो, तुम्हारा काम है न्यूज सुनाना, वर्डिक्ट देना नहीं। तो तुम्हें भी मिर्ची लग रही थी, पुराने रिलेशन याद आ गए क्या? I'm telling you, mind your tongue. अगर मैंने तुम्हारे रिश्तों के बारे में बात करना शुरू कर दिया ना, तो सुन नहीं पाओगे तुम। क्या बोलोगी तुम, क्या बोलोगे तुम? हाँ मैं सुनाता हूँ। अभी अभी एक लड़की के साथ सो कर आया हूँ, ये देख रही हो, ये तुम्हारी जगह है। चलो हटो, हटो। अब मैं कुछ समझने वाला नहीं हूँ, सीधे सीधे बताओ तुमने हमारी गुड़िया को कहाँ गायब करके रखा है? ब्रजेश आवाज नीचे करके बात करो, पहले तो उसे लेने आए नहीं, अब वो खो गई है तो यहाँ आकर बकवास कर रहे हो? बकवास आप कर रहे हैं, आपने उसे किसी बस में चढ़ाया ही नहीं है। अरे मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं खुद उसे गोरखपुर की बस में बिठा कर आया था। हाँ चलो बैठ जाओ, पीछे बैठना भाई। सुन हाँ साहब, ये लड़की गोरखपुर जाएगी, सीट खाली है? हाँ साहब बहुत सीट खाली है। सुन ये लड़की ना अकेली जाएगी, तो थोड़ा ध्यान से लेके जाना। अरे कोई दिक्कत नहीं, चलो बिठा देते हो। तुम्हारा फोन आने के बाद मैं खुद जाके उस बस के कंडक्टर से मिला, उस कंडक्टर ने मुझे बताया कि उसने गुड़िया को गोरखपुर बस स्टैंड उतार दिया था। अब तुम यहाँ खड़े होकर ड्रामा मत करो। तुम्हें ना तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। मेरा कॉलर पकड़ता है तुझे तो मैं अंदर कराऊंगा। अंदर तो मैं तुम्हें करवाऊंगा, जा रहा हूं मैं भी पुलिस के पास, समझे? जाना तो। अब ये क्या मुसीबत आ गई अचानक से? अरे ये गुड़िया के लालची बाप की कोई चाल है, हमसे पैसे ऐंठना चाह रहा है ये। हेलो एंड वेलकम टू माय शो रितेश लाइव। एक आरोपी, एक रेप का आरोपी मुझे,
मुझे धमकी दे रहा है। वीरेंद्र कक्कड़ के हायर किए हुए लोग इंडिया के बाहर से मुझे धमकी भरे कॉल कर रहे हैं। अब मेरी ही नहीं, मेरी वाइफ की जान भी खतरे में। अब मैं आपको सुनाता हूँ वो इंटरनेशनल कॉल्स की रिकॉर्डिंग, ध्यान से सुन। ये वीरेंद्र कक्कड़ की बैंड बजाना छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। क्या कर लोगे तुम? वो तुझे जल्दी पता चल जाएगा। सुना आप लोगों ने, ये है उस वीरेंद्र कक्कड़ की सच्चाई। हेलो, ये तुम्हारा पति टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकता है ना? वाकई में इंटरनेशनल कॉल्स आई थी उसको? आई डोंट नो, इसलिए फोन किया था। नहीं, एक्चुअली मैंने तुम्हारे प्रपोजल के बारे में थोड़ा सोचा, क्या हम लोग मिल सकते हैं? गुड़िया कहाँ है? आप तो बोल के गए थे गुड़िया को लेके आएंगे। शुभम हार गए हैं, अब तो पुलिस ने भी उनको धुतकार दिया है। भले हम ज्यादा मजदूरी कर लेंगे, बाकी हम अपना बेटी को अपना आंख से दूर नहीं भेजेंगे। हमारी भी आंखों का तारा है गुड़िया, लेकिन हम ममता के मुंह में अंधे नहीं हुए हैं। 10,000 रुपए महीना मिलेंगे इसे, कभी इतने सारे पैसे देखी हो एक साथ? हम तो ममता में अंधे थे, पर आप लालच में अंधे थे। अगर हमको हमारी गुड़िया नहीं मिली ना, तो हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। कह देते तिवारी, बाहर सीसीटीवी चेक करो, मॉनिटर्स कहाँ हैं? सर। जैन सर, विक्टिम का नाम सुजाता शर्मा है सर, न्यूज एंकर रितेश शर्मा की वाइफ है, ये भी जर्नलिस्ट है सर। बॉडी को अर्ली मॉर्निंग पड़ोसियों ने देखा, कत्ल शायद रात में हुआ। रात को आप कहाँ थे? देखिए सर, आई एम अ बिजी मैन, थक गया था तो रात को स्टूडियो में ही सो गया। और वैसे भी सुजाता 2 दिनों से लखनऊ में थी ही नहीं। सुजाता अगर 2 दिन से लखनऊ में नहीं थी तो कहाँ थी? अमन को माँ के पास छोड़ दिया, काम के लिए जा रही हूँ, 2 दिन लग जाएंगे। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई थी। अब देश दुनिया की खबर रखते हैं, लेकिन आपकी खुद की बीवी कहाँ है 2 दिन से, वो आपको पता ही नहीं? देखिए सर, वो अपने सीक्रेट्स मुझसे शेयर नहीं करते थे। कैसे सीक्रेट? आई डोंट नो सर, वो एक जर्नलिस्ट थी और अपना नया न्यूज पोर्टल लॉन्च करने वाली थी, शायद ये बात वो मुझसे छुपाना चाहती। एज इफ आई केयर, ये बात जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। आपकी बीवी का कत्ल हुआ, कत्ल किसने किया, क्यों किया, ये जानने में तो इंटरेस्ट होगा आपका? देखिए, घुमा फिरा के बात मत करिए। सीधा सवाल पूछेंगे आप मुझसे? जानते ना मुझे, कौन हूं मैं? वीरेंद्र कक्कड़ ने धमकी दी है मुझे। तो आपको लगता है आपकी बीवी सुजाता को वीरेंद्र कक्कड़ ने मरवाया? हिंदी में बोला था मैंने, शायद आपको समझ में नहीं आया। सर, सुजाता को फोन ऑन हुआ, उसने लास्ट कॉल किसी निखिल को किया था रात को 10 बजे। निखिल? जी सर। निखिल कौन है? निखिल सुजाता के लिए उसके नए न्यूज पोर्टल में काम करता था। इनफैक्ट निखिल और सुजाता वीरेंद्र कक्कड़ के न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं पहले भी। सर, आई थिंक वीरेंद्र कक्कड़ निखिल को भी यूज कर सकता है। जर्नलिस्ट सुजाता मर्डर केस एक हाई प्रोफाइल केस था जो तुरंत खबरों में छा गया। पुलिस डिपार्टमेंट से एक्स्ट्रा प्रेशर था और सुजाता का कत्ल इतनी सफाई से किया गया था कि पुलिस को क्राइम सीन से कातिलों का कोई भी सुराग नहीं मिला था। ये रितेश मुझे बदनाम करने के लिए अपने शो में कुछ भी बक रहा है, ये इंटरनेशनल कॉल्स, ये धमकियां, सब ढकोसला है उसका। तो रितेश की इन हरकतों से तकलीफ तो होती होगी आपको? लेकिन मैं उसकी बीबी का मर्डर क्यों करवाऊंगा? और अगर मैं रितेश के तरीके से बात करूं तो ये भी कह सकता हूं कि रितेश ने खुद उसकी बीबी का मर्डर किया है और मुझे बदनाम करने के लिए मुझे घसीट रहा है, लेकिन बिना सबूत के क्यों कहूं मैं ऐसा? पर आप सुजाता को कॉल तो कर रहे थे और उसके जरिए रितेश को खामोश करवाना चाहते थे, हो सकता है सुजाता को मरवाने का मोटिव भी हो आपके पास। अगर आपको ऐसा लगता है तो ढूंढ लीजिए मेरे खिलाफ कोई सबूत।
सर मैंने और सुजाता ने वीरेंद्र सर का चैनल बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मैं तो वीरेंद्र सर के टच में भी नहीं हूँ। लेकिन सुजाता के मर्डर से पहले तुमने उसे कॉल किया था, क्या बात हुई थी? सर सुजाता अपना न्यूज़ पोर्टल लॉन्च करना चाहती थी, वो चाहती थी कि मैं उसके लिए काम करूँ। लेकिन तुम तो उसी के साथ काम करते थे ना? नहीं सर, मैंने एक महीना पहले उसके साथ काम करना छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि सर उसके न्यूज़ पोर्टल में मुझे अपने लिए कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। 3 दिन पहले ही तो आई थी वो यहाँ अमन को मेरे पास छोड़ने के लिए। और सुजाता गई कहाँ थी, कुछ तो बताया होगा। माँ आप 2 दिन अमन को संभालोगे प्लीज, मुझे ना एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है। पर बेटा रितेश को यहाँ धमकियाँ मिल रही हैं और तुम शहर छोड़ के बाहर जाना चाहती हो, कहीं कुछ? माँ कुछ नहीं है, आप परेशान मत हो, ये सब ना उसकी शो की कहानी है। लेकिन तू जा कहाँ रही है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में कहाँ गई थी? पता नहीं, बताया नहीं उसने। सुजाता इलाहाबाद गई लेकिन इस बारे में उसने अपने पति रितेश को कुछ नहीं बताया, तो क्या रितेश से कुछ छुपा रही थी? मेरी बेटी की जिंदगी में रितेश से छुपाने के लिए कुछ भी नहीं। तो क्या रितेश की जिंदगी में कुछ ऐसा है जो वो छुपा रहा है? रितेश की जिंदगी में बहुत कुछ छुपाने के लिए है, लेकिन एक पत्नी के आगे पति के राज छुपते नहीं। किस तरह के राज की बात कर रही है? तो देख रही हो, ये तुम्हारी जगह है। Are you okay? Of course. क्या हुआ? आपकी बेटी गुड़िया को ढूंढने के लिए हमारे एनजीओ से जो भी बन पाएगा वो हम करेंगे। आपने बताया कि आप पुलिस स्टेशन भी गए थे, आपके पास FIR की कॉपी है? FIR तो उस दरोगों ने लिखी नहीं मैडम, उल्टा गुड़िया के बारे में अनाप शनाप बातें कर। आपकी बेटी जवान है, किसी के साथ अफेयर होगा उसका, भाग गई होगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब आप? वकील साहब गायब किए हमारी बेटी को। आपको पता है आप किस पे आरोप लगा रहे? इस शहर के सबसे बड़े लॉयर हो। देखो लोबना, तुम्हारे रितेश के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसकी सारी जानकारी हमने ऑलरेडी निकाल ली, इसलिए हमसे कुछ भी छुपाना मत। सर अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करने वाले, मेरा बस यूज कर रहे हो। खुद आई थी मेरे पास, मैंने कोई बोला नहीं था तुम्हें, तुम्हें मुंह लगाना नहीं चाहिए था मुझे। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। अब प्लीज गुस्सा मत होइए। सर मैं इस चैनल में एक अच्छी पोस्ट पाना चाहती थी, सुजाता मैम की जगह लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था और ना ही रितेश सर मुझे वो जगह देने वाले थे। तो मतलब ना प्यार मिला ना पोस्ट, तो सोचा रितेश की बीवी को मरवा कर उसकी जड़ें ला दूं। सर उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, उसे मैं क्या कोई भी नहीं हिला सकता। देखिए ऑफिसर आप बार बार भूल रहे हैं कि मैं क्या चीज। यही तो जानना है कि आप क्या चीज है। इतना कॉन्फिडेंस, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश मत करना। घुसना तो पड़ेगा क्योंकि कत्ल का मकसद आपकी पर्सनल लाइफ में ही है। अच्छा अगर आपके अफेयर के बारे में आपकी बीवी को पता चल जाता तो? उसे पहले से सब कुछ पता था। इनफैक्ट ऑफिसर मेरे और मेरी बीवी के बीच में रिलेशनशिप मियां बीवी जैसा था ही नहीं, पर सुजाता कौन सी दूध की धुली हुई थी, वो मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री थी। अब आप ये भी कहोगे कि कत्ल के 2 दिन पहले सुजाता अपने लवर से मिलने गई होगी? हो सकता है, अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि वो निखिल के साथ रिलेशन में थी, वीरेंद्र के साथ काम करते हुए शायद उसके साथ भी रिलेशन बना लिया हो। इस निखिल और वीरेंद्र को तो हम देख लेंगे, लेकिन अगर आपका अपनी बीवी सुजाता के कत्ल से कोई भी ताल्लुक हुआ तो बख्शेंगे नहीं। एक न्यूज एंकर और एक जर्नलिस्ट के तौर पर रितेश एक प्रतिष्ठित हस्ती था, लेकिन जो लोग समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं कई बार उनकी असलियत विपरीत भी होती है। रितेश की निजी जिंदगी की हकीकत उसे अपनी पत्नी सुजाता के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट बना रही थी, लेकिन पॉलिटिशियन वीरेंद्र सिंह और सुजाता के साथ सुजाता के न्यूज पोर्टल में काम करने वाला निखिल भी पुलिस की रडार में थे। लेकिन लखनऊ के सुजाता मर्डर केस से गोरखपुर का गुड़िया मिसिंग केस एक 4 साल पुराना केस था। FIR के मुताबिक 4 साल पहले गुड़िया लखनऊ से गोरखपुर जाते हुए लापता हुई थी, मगर 4 साल के इस अंतराल के बीच की एक कड़ी खुद सुजाता मर्डर केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी थे। 4 साल पहले उस ऑफिसर का भी गुड़िया मिसिंग केस से सामना हुआ था। कहिए वंदना जी, कैसे याद किया?
करीब एक हफ्ता पहले आपके थाने में गुड़िया नाम की लड़की की कंप्लेंट आई थी। गुड़िया जी, केस बहुत सीरियस है। वो 18 साल की बच्ची एक हफ्ते से मिसिंग है। उसके फादर में FIR लिखवानी चाहिए तो FIR लिखी नहीं गई। आई एम सरप्राइज कि ये आपके थाने में हुआ है। वंदना जी, मैं एक हफ्ते के लिए कोलकाता गया था। लेट मी चेक, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। सुप्रिया सर, एक हफ्ता पहले किसी गुड़िया नाम की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई थी। गुड़िया सर, उस दिन एक आदमी आया था अपनी बेटी गुड़िया की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने। साहब, हमारी बेटी गुड़िया, इसे गायब कर दिया साहब। ऐसे कैसे गायब हुई? आप बैठिए बैठिए और तसल्ली से बताइए क्या हुआ। वो FIR लेकर मेरे कैबिन में आ। सर, FIR तो लिखी नहीं मैंने। क्यों? सर, FIR तो तब लिखता ना जब लड़की गायब होती। वो तो अपनी मर्जी से चली गई थी। तो मैं कैसे पता कि लड़की अपनी मर्जी से कहीं गई? लड़की के फादर ने NGO में कंप्लेंट की है और तुमने बिना किसी सीनियर ऑफिसर को कंसल्ट किए खुद ही डिसाइड कर लिया। सर, मुझे लगा कि व्हाट लगा? अब मुझे लग रहा है तो मैं सस्पेंड कर दूं। सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे। सुप्रिया, मुझे गुड़िया की पूरी डिटेल चाहिए तुरंत। सर प्लीज, मुझे जाने दो। प्लीज छोड़ दो मुझे। प्लीज जाने दो। प्लीज जाने दो मुझे। सर, हम तो खुद गुड़िया के लिए परेशान थे। उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाना चाहते थे और उसके फादर ने तो उल्टा हम ही पे एलिगेशन लगा दिया। लेकिन अगर गुड़िया के फादर ने कुछ किया होता तो NGO क्यों जाता? सर, मैं आपको बता रहा हूँ, पक्का उसके बाप ने ही उसे कहीं छुपा कर रखा है और अब हमें फंसा कर हमसे पैसा ऐंठना चाह रहा है। एक नंबर का लालची आदमी है सर। वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इवन वो गुड़िया उससे खुद तंग थी। इस बार जब वो आई तो उसने अपनी तकलीफ हमसे शेयर भी की। साहब, इस बार जब हम गांव गए तो हमारे पापा हमारी शादी की जिद पकड़ ली। वो हमारा शादी एक अपंग आदमी से करवाना चाहते हैं। और इस बारे में तुम्हारी माँ का क्या कहना है? साहब, वो भी इस बात का विरोध कर रही, लेकिन पापा पापा किसी के नहीं सुनते। और जब इस बारे में मैंने ब्रजेश से बात करनी चाहिए तो उल्टा मुझसे पैसे मांगने लगा गुड़िया की शादी करवाने की। साहब, एक साल से वो आप लोगों की सेवा कर रही है। उसकी शादी में कम से कम 1,00,000 की तो मदद करनी चाहिए आपको साहब। अरे कैसे बाप हो तुम? अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक अपंग आदमी से कर रहे हो। साहब, एक बात बोलें, अगर आप बुरा ना माने तो, ये हमारा घर का मामला है और आप दखल मत दीजिए। सर, मैं तभी समझ गया था कि उस आदमी को समझाना नामुमकिन है और ये बात तो वो कभी बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी लड़की उसकी मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे लड़के से शादी करे। तो दूसरा लड़का कौन? उसके गांव में कोई लड़का था जिसे वो पसंद करती थी। लेकिन वो लड़का कौन है? इसके बारे में तो गुड़िया ने हमें ज्यादा नहीं बताया, पर कल उसका बाप कोई बखेड़ा खड़ा ना करे इसके लिए मेरे कहने पर गुड़िया ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। हम गुड़िया, हम कुछ रोज पहले ही 18 सालों के हुए, अब हम बालिक है। हम वोट भी डाल सकते हैं और अपना जीवन साथी भी खुद ही चुन सकते हैं। लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड करके आप क्या करना चाहते थे? सर, अगर ब्रजेश गुड़िया पर दबाव डालकर उसकी शादी कहीं और करता तो एक्शन लेने के लिए कोई प्रूफ तो चाहिए था ना। लेकिन अगर आपको गुड़िया के फादर के इंटेंशन पर शक था तो आपने गुड़िया को गांव जाने ही क्यों दिया? सर, एक्चुअली गुड़िया अपनी माँ और भाई से मिलना चाहती थी और वो ब्रजेश, वो तो सर मुझे फेस भी करना नहीं चाहता था, इसलिए इस बार उसको लेने भी नहीं आया। मुझे बोला कि मैं गुड़िया को बस में चढ़ा दूं। सर, अगर आप चाहें तो मेरे दोस्त रतन से कंफर्म कर सकते हैं, वो भी मेरे साथ आया था गुड़िया को बस स्टैंड तक छोड़ने। जी हाँ सर, मैं और अशोक हम दोनों साथ में उस लड़की को बस में चढ़ाने गए थे। तो अशोक के घर अक्सर आते जाते हो या उस दिन खास इसी काम की वजह से गए थे? नहीं सर, दोस्त हैं हम दोनों, एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहते हैं। उस दिन जब मैं अशोक के घर गया तो वो गुड़िया को लेके बस में बैठाने जा रहा था। ऐसे में हम अकेले वहाँ क्या करते, इसलिए हम भी उसके साथ चले गए। हाँ साहब, वो वकील साहब खुद आए थे और इस लड़की को बस में चढ़ा के चले गए। तुझे कैसे पता वकील? पहले से जानता था? नहीं साहब, तो उस दिन अपना कार्ड दिए थे हमें। सुनिए, मेरा कार्ड है, इस पे मेरा नंबर लिखा है, अगर लड़की को कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर। साहब, हमको तो लगा कि वो अपना कार्ड देके हमको धौंस दिखा रहा था कि उस लड़की को कुछ होना नहीं चाहिए। अब तो हमें सफाई दे रहा है,
क्या वकील की डर की वजह से तूने बच्चे के साथ कुछ नहीं किया? आप गलत समझ रहे हो साहब, हमने तो उस लड़की को अगले दिन सुबह 7 बजे गोरखपुर के बस अड्डे पर छोड़ दिया था। वहाँ पे इस आदमी को देखा था? नहीं सर। सर वो गुड़िया का बाप बोल रहा था कि वो सुबह 5 बजे से बस स्टॉप पर खड़ा था। मालिक गुड़िया कहाँ है? मैंने गोरखपुर पुलिस से भी कोऑर्डिनेट किया पर वहाँ कोई भी सीसीटीवी नहीं है। कंडक्टर की बातों का भरोसा मत करो, खुद तहकीकात करो। वो लड़का कौन है जिसे गुड़िया प्यार करती है? सर गुड़िया मोबाइल नहीं रखती थी, लेकिन अगर उसका अफेयर था तो भी इसके बाप का मोटिव बड़ा स्ट्रांग है। हाँ सर, ये सच है कि गुड़िया के पापा ने गुड़िया का रिश्ता एक अपाहिज लड़के से तय कर दिया था। सब गुड़िया इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। गुड़िया किसी और लड़के से प्यार करती थी, वो लड़का कौन है? कोई और लड़का नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर आपकी गुड़िया ऐसा क्यों बोल रही? हम एक लड़के से प्यार करते हैं। लेकिन गुड़िया ने हमें कभी नहीं बताया कि वो किसी और लड़के को पसंद करती है। साहब हमको थोड़े मालूम था गुड़िया किसी का चक्कर था, हमको पहले मालूम हुआ होता तो उसके बाप को शगुन के पैसे नहीं देते। शगुन? कैसा शगुन? शादी के नाम पर अपनी बेटी का सौदा कर रहा था तू? नहीं साहब। जतिन ने सब बता दिया, तेरी बेटी से शादी करने के बदले में वो तुझे 1,00,000 रुपए दे रहा, 25,000 एडवांस भी दे चुका था। शगुन, गुड़िया शादी के लिए राजी नहीं हुई तो उसे गायब करवा दिया। नहीं साहब, वो वकील गायब किया हमारी गुड़िया को। तो तेरी बेटी गुड़िया तेरे खिलाफ क्यों बोल रही है? हम एक लड़के से प्यार करते हैं पर हमारे पापा जबरदस्ती हमारा शादी एक अपंग आदमी से कर रहे हैं। साहब ये सब कुछ फर्जी है। तू तो सच्चा है ना, तो बोल गुड़िया कहाँ है? हम नहीं पता सर। पता लगवा सर। गुड़िया कहाँ गायब थी ये पहेली अब भी बरकरार थी और पुलिस को वो लड़का भी नहीं मिल रहा था जिससे गुड़िया का अफेयर था। लेकिन 4 साल बाद सुजाता की जिंदगी में रितेश के अलावा भी कोई था। मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा सुजाता के साथ सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन था, इसके अलावा मेरी उससे कोई और बात नहीं होती थी। सुजाता ये देखो ना, ये लोगों कैसा लग रहा है? लोगों अच्छा लग रहा है पर आई फील पोर्टल ना लोगों से फेमस नहीं होता। हमें लॉन्च के लिए कुछ ऐसा मसाला तैयार करना चाहिए ना जो धमाल मचा दे। ये धमाल वमाल सब रितेश को सूट करता है, तुम तो रियलिज्म में बिलीव करती हो ना? करती थी, अब नहीं। मिला ही क्या है मुझे रियलिज्म से? कब से हूँ मैं जर्नलिज्म में? एंड वेयर एम आई? रितेश ने कितना पीछे छोड़ दिया है मुझे। यू नो व्हाट, आई वांट टू वर्क ऑन माय यूनिक प्रोजेक्ट। रितेश ना मुझे अपने पैरों की जूती समझता है और मुझे उसके पैरों तले से जमीन खिसका दे रही है। सुजाता, इट्स ओके यार। ऑल द डिटेल्स टुमारो। कैरी ऑन, कैरी ऑन। मैं तो वैसे भी ऊपर जा रहा था। व्हाट कैरी ऑन? क्या बकवास क्या कर रहे हो तुम? एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं सुजाता। सर वो रितेश सबको अपने जैसा समझता है, मैंने आपको पहले बताया नहीं लेकिन अब आपको बता रहा हूँ। सिर्फ उसकी वजह से ही मैंने सुजाता के साथ काम करना बंद किया क्योंकि मुझे लगता था कि वो सुजाता का गुस्सा मेरे ऊपर निकालेगा। तुमने बताया कि सुजाता अपने पोर्टल की लॉन्चिंग से ही धमाल मचाने वाली थी, ऐसा क्या हाथ लगा था उसके? आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू दिस टाइम क्योंकि इस बार मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ। तुम्हें पता है मुझे वो भी मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी। सर उसके बाद उसका मर्डर हो गया। तो ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर मैं डर गया था सर, सर मुझे लगा कि वो रितेश इस मर्डर केस में मुझे फंसाने की कोशिश जरूर करेगा। ये निखिल वाकई डरा हुआ है, स्मार्ट बन रहा है, हो सकता है ये भी सुजाता के साथ इलाहाबाद में। लेकिन सर उस दौरान निकल की फ़ोन लोकेशन इलाहाबाद की नहीं थी और सर इलाहाबाद से एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि सुजाता इलाहाबाद के किसी न्यू शांतन होटल में ठहरी हुई थी। मनीष तुम खुद इलाहाबाद जाओ और पता करो कि सुजाता वहाँ किस किससे मिली। निखिल के मुताबिक वो किसी न्यूज़ को लेकर एक्साइटेड थी, अगर ऐसा है तो उसके फ़ोन या लैपटॉप से कोई ना कोई लीड मिल सकती है। सर पुलिस को फिलहाल सुजाता के लैपटॉप कंप्यूटर्स और फोन से ऐसा कोई डेटा नहीं मिला था जो सस्पिशियस हो, लेकिन पुलिस इन सब का डिलीटेड डेटा भी रिट्रीव कर रही थी। पर क्या पुलिस इस एंगल पर काम करके अपना वक्त जाया कर रही थी? सुजाता मर्डर केस एक हाई प्रोफाइल केस था और पुलिस अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो जल्द ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो ये केस उनसे छीन कर सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को भी दिया जा सकता है, इसलिए पुलिस काफी दबाव में काम कर रही थी। लेकिन एक गरीब लड़की गुड़िया का केस जो पिछले 4 साल से लापता थी,
वो बिना किसी नतीजे के बैकलॉग में था और गुड़िया के गरीब परिवार की हर गुहार अनसुनी कर दी गई थी। पर ऐसे कई रहस्य थे जो उजागर ही नहीं हुए थे और ऐसे कई किरदार थे जो इस रहस्य को एक नया मकाम देने वाले थे। बाकी क्या हुआ, सब ठीक तो है? बाबा पेट में दर्द हो रहा है। अरे सुबह से कुछ नहीं खाया है तूने, जा हाथ मुंह धोआ, हम खाने का बंदोबस्त करते हैं। हाँ शर्मा। सर सुजाता ये इलाहाबाद के होटल में अकेली ठहरी हुई थी। बस इतना पता चला है कि उसने होटल के थ्रू कैब हायर की थी और पूरा दिन इलाहाबाद में इसी कैब में ट्रेवल कर रही थी। कैब के ड्राइवर का पता लगा लिया मैंने। हाँ साहब, सुजाता मैडम जब तक उस होटल में रुकी हमारी टैक्सी से सफर की। तुमने सुजाता को आखिरी बार कब और किसके साथ देखा था? साहब आखिरी बार तो उनको हमने तब देखा था जब हम उनको उनके लखनऊ वाले घर पे छोड़ने गए थे, तब साहब वो अकेली थी। दो दिन तक इलाहाबाद में तुम सुजाता को कहां कहां लेकर गए, सबकी डिटेल चाहिए हमें। सर सुजाता ने इलाहाबाद में जिन जिन जगहों पर ट्रेवल किया था वहां से ये पता नहीं चल रहा है कि सुजाता की ये विजिट काम की विजिट थी या पर्सनल विजिट थी। लेकिन सर इन दो जगहों में दो जगह ध्यान खींचने वाली है। कौन सी दो जगह? एक है इलाहाबाद का मुंडेरी गांव, यहाँ पे कुछ दिन पहले एक बच्ची का मर्डर भी हुआ था सर। इमरान ने बताया कि उसने सुजाता को यहाँ पे एक बच्ची से मिलते हुए भी देखा था। और दूसरी जगह कौन सी है? सर सुजाता ने एक लोकल लीडर मुन्ना भैया के घर भी विजिट किया था। मुंडेरी गांव की बच्ची और लीडर मुन्ना भैया का घर। सुजाता सर किसकी बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता ये। हाँ ये लड़की तो अभी कुछ दिन पहले आई थी हमारे पास, इसका कुछ न्यूज पोर्टल लॉन्च कर रही थी तो उसके सिलसिले में वीडियो बाइट चाहिए थी हमारी उसको। हमने सुना है कि वीरेंद्र कक्कड़ के न्यूज चैनल को जो पार्टी फंडिंग कर रही है उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं और वीरेंद्र कक्कड़ सुजाता मर्डर केस का सस्पेक्ट है, तो कहीं आपके और वीरेंद्र के बीच में कुछ? सर कैसी बात कर रहे हैं। देखिए सर हमें निर्दलीय, कल किसी और पार्टी की सरकार आ जाएगी हम उसके साथ चले जाएंगे, उसको सपोर्ट कर देंगे। अब इस वीरेंद्र कक्कड़ से हमारा कोई मतलब नहीं। नहीं साहब हम नहीं जानते इनको। औरत एक पत्रकार थी, लखनऊ में रहती थी, न्यूज एंकर रितेश शर्मा की वाइफ। सोचिए शायद कुछ याद आ जाए। रितेश शर्मा सुने तो है साहब। हाँ साहब एक बार हमारी बेटी ना रितेश शर्मा के बारे में बात तो कर रही थी। बाबा बाबा आप जानते हो रितेश शर्मा कौन है? नहीं तो, और ये सब तो काहे पूछ रही है? बाबा हम सुने कि टीवी में आते हैं, वो हमारे गांव में आने वाले हैं, वो हम सबका जिंदगी बदल देंगे, फिर हमारे पेट में भी दर्द नहीं होगा। कौन वो डॉक्टर है का वो, और कौन बोला तुमको ये सब? एक तरफ मुन्ना भैया का वरेंद्र कक्कड़ से कनेक्शन दिख रहा है और दूसरी तरफ ये रितेश की मुंदेर जाने की कहानी। इतना हिंट तो मिल रहा है सर कि सुजाता के मर्डर का इलाहाबाद से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सुजाता के कत्ल वाले दिन का उसके घर का एरिया का डंप डाटा निकलाओ, शायद कोई सस्पिशियस नंबर मिले, तब तक मैं रितेश शर्मा से मिलता हूँ। ये आप रोज रोज क्या फालतू के सवाल लेके आ जाते हैं? मेरा मुंडेरी गांव में जाने का कोई प्लान नहीं था। और आपकी बीवी सुजाता वो मुंडेरी गांव गई थी, और ये बच्ची बाकी नाम है इसका, मुंडेरी गांव की रहने वाली और इसका कत्ल हुआ। आपके फालतू के सवालों का जवाब देने के लिए मेरे पास टाइम? सर हमने इससे ये सब पूछ के कहीं ओवर रिएक्ट तो नहीं कर दिया? ओवर रिएक्ट तो रितेश कर रहा है, करने दो, कम से कम पता तो चले किस किस केस से क्या ताल्लुक है। सर हेलो, हाँ ठीक है हम पहुँच रहे हैं। ओके सर, सुजाता के लैपटॉप से डिलीटेड वीडियो का डेटा रिट्रीव हुआ। काफी औरतें और बच्चियां इस वीडियो में, और शायद आदमियों को भी बंदी बनाकर रखा गया।
तो पाखी है। बेटा बोलो कहाँ लेके गए थे आपको, क्या किया उन लोगों ने आपके साथ? वो लोग हमारे साथ गंदा काम, हम गरीब है ना इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। तुम रो मत, मैं लेकर जाऊंगी तुमको यहाँ से। कैसे? आप कौन हो? आप रितेश शर्मा को जानते हो, वो जो टीवी में न्यूज सुनाते हैं? शादी आवाज सुजाता की होगी, उसने स्टिंग ऑपरेशन किया होगा। तुम तीनों लड़की गाड़ी में बैठो, चलो। यहाँ पे तो बड़े लेवल का क्राइम चल रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या सेक्स एक्ट या कुछ और। राइट सर, और सर ये जगह पाकी के गांव मुंडेर के आसपास की हो सकती है, लेकिन अगर इन लोगों को पता चल गया कि हम इस जगह का पता लगा रहे हैं तो ये अलर्ट हो जाएंगे और पाकी के फादर से पूछने का रिस्क भी नहीं ले सकते। इसलिए जो करना चुपचाप करना, चुपचाप गुपचाप। ये सब किसी बड़े अपराध की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन अपराध था क्या इसका पता लगाना इतना आसान नहीं था। वहीं पुलिस सुजाता के घर के एरिया का डंप डेटा भी खंगाल रही थी। सर सुजाता की हत्या वाली रात उसके घर के आसपास इलाहाबाद का एक नंबर एक्टिव था और उस दिन ये नंबर इलाहाबाद से लखनऊ की तरफ ट्रेवल हुआ था, लगभग सुजाता के नंबर के साथ। मतलब जिस रात सुजाता का कत्ल हुआ उस रात कोई सुजाता का पीछा करते हुए इलाहाबाद से लखनऊ तक आया। किसका नंबर है ये? सर रतन सिंह नाम है इसका, ये मुन्ना भैया का भांजा है, पता किया मैंने। आई थिंक मैंने इस बंदे को पहले भी कहीं देखा है। नाम क्या बताया? रतन सिंह। मैं इस बंदे को मिला, नजर रखो इस पर, लेकिन उठाना मत क्योंकि इसे उठा के हमें मुन्ना भैया पर अलर्ट नहीं करना। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर, इतने वक्त के बाद याद किया आपने। सुप्रिया तुम्हें 4 साल पहले का वो गुड़िया मिसिंग केस याद है? उसी दौरान मेरा ट्रांसफर हो गया था। जी सर, सर वो केस तो अभी भी अनसॉल्व है और उसके बारे में अब तो बात भी नहीं होती। मुरली उस केस के जितने भी सस्पेक्ट हैं मुझे सबकी फोटो चाहिए, भेज सकते हो? बिल्कुल सर। मुलाकात 4 साल पहले भी हो चुकी है, गुड़िया मिसिंग केस कुछ याद आया? लेकिन जब मैं अशोक के घर गया तो वो गुड़िया को लेके बस में बैठाने जा रहा था, ऐसे में हम अकेले वहां क्या करते, इसलिए हम भी उसके साथ चले गए। गुड़िया को कहां गायब किया? मैं गुड़िया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था सर, लेकिन उसे मुन्ना भैया से नहीं बचा पाए। मुन्ना भैया कॉन्ट्रैक्ट अगर एक बार मिल जाए ना। कौन है? ये आया है मेरे बच्चे। आया है तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, और वैसे भी तुम्हारी बीबी और बेटा तो बाहर गए हुए हैं। ना भाई बच्ची है। देखो इस बच्ची के बदले मोटा कॉन्ट्रैक्ट दिलाऊंगा तुम्हें। मैं कुछ नहीं कर पाया सर। गुड़िया को गोरखपुर की बस में चढ़ाने की कहानी झूठी थी। क्या करते सर, बचने के लिए फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ा, कंडक्टर वो भी हमारा ही आदमी। गुड़िया का वीडियो भी इसी प्लानिंग का हिस्सा था? नहीं सर, तब तो मैं जेन्युइनली गुड़िया की हेल्प करना चाहता था। और जर्नलिस्ट सुजाता शर्मा, उसे क्यों मारा? साहब उसको क्रांतिकारी बनने का शौक चढ़ा था, हमको चकमा दे के सारा वीडियो निकाल ली थी। हिम्मत तो बहुत की मगर एक गलती कर दी, मुन्ना भैया के बिल में खुद ही घुस गए। देख रहे हैं नेताजी क्या चल रहा है आपके एरिया में? समझ गया। अच्छा अपने न्यूज पोर्टल के लिए फंडिंग चाहिए ना आपको?
जितनी फंडिंग चाहिए मिल जाएगी। सोचती हूँ। ए मामा, हमको नहीं लगता यहाँ पर ये फंडिंग के लिए आई थी। इतना सब कुछ रिकॉर्ड करके लाई है। अभी जो आप बात किए ना, वो भी रिकॉर्ड कर ली होगी, ताकि आपको ऑन द फेस आरोपी दिखा सके। तो बड़ी चंट निकली रे। बोलिए तो, यहीं पर मार के काट दे। काम करो, इसे इसके शहर में जाके मारो। उसको मार के हम सारा वीडियो डिलीट करते हैं और सीसीटीवी का टीवीआर लेके भी भाग। उन आदमियों को बंधक बना के क्यों रखा था? वो हमारे बंधुआ मजदूर है। खेती का इतना जमीन है, मजदूरों का हमेशा समस्या बना रहता है। इसलिए हम लोग गाँव के भूखे गरीबों को दो वक्त खाना और मजदूरी का झांसा देके फंसा लेते हैं और उनको बंधुआ बना के मजदूरी कराते हैं। साहब, औरतें और बच्चियाँ, उनसे क्या करवाते हैं? औरतों और बच्चियों से मजदूरी के अलावा अलग अलग ग्राहकों के पास बेच के पैसा कमाते थे साहब, और उनको मजबूर करते हैं कि अगर वो धंधा नहीं करेंगी तो मजदूरी भी नहीं देंगे उनको। तिवारी, हम अक्सर सुनते हैं कि अदालतों से लेकर पुलिस की फाइलों में ऐसे कई केसेस हैं जो सालों तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते। इसके पीछे की वजह जो भी हो, लेकिन अगर गुनहगार जल्द से जल्द सलाखों के पीछे ना पहुंचाए जाएं, तो वो और अपराध भी कर सकते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। अगर पुलिस 4 साल पहले ही गुड़िया के गुनहगारों तक पहुंच गई होती तो ना तो सुजाता की हत्या होती और ना ही पाखी को अपना जीवन खोना पड़ता। लेकिन ये रैकेट तो इस पैमाने पर फैला हुआ था कि कई मासूम इन गुनहगारों का शिकार हो रहे थे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।